Bored with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu. We'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots. There will be financial terms. We'll also have MCQs. We'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. Aur maze ki baat dosto ye hai ki ye show ab Hindi mein bhi aayega. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द करंट अफेयर्स शो बेस्ड ऑन द हिंदू में. और आज मैं कुश पांडे आपके साथ चर्चा करेगा उन ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि अति 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 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर एवरी एग्जामिनेशन टू ऑल द पीपल फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया, वेदर इट इज़ फ्रॉम द सदर्न पार्ट्स और फ्रॉम द मिडल और फ्रॉम सेंट्रल पार्ट्स. आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते. तो चलिए शुरू करते हैं एंड स्माइल के साथ आज की चर्चा को. और ये रहा आपके सामने हमारा मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे. इट्स नॉट अबाउट परफेक्ट, it's about effort, and when you bring that effort every single day, that's where transformation happens, that's how change occurs. Perfect to koi nahi hota, par effort karna apne haath mein hota hai. Agar lagatar hum apne effort ko roz karte rahe to jo ek transformation hai, jo ek change hai, wo humko yahan par bilkul dikhega. ठीक है, चलिए शुरू करें एंड ले चलें आपको सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस पर. तो ये रही आज की हमारी ताज़ा हेडलाइंस. नाउ गाइस, ये सारी हेडलाइंस हैं फ्रॉम यस्टरडे एंड आल्सो फ्रॉम टुडे. ये आज और कल की मिला के आपको सारी हेडलाइंस मिली है. सबसे पहले इलाहाबाद का नया नाम आने वाले समय में हो सकता है प्रयागराज. IRCTC ने लॉन्च किया है एक चैटबॉट जिससे कि आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा उनकी वेबसाइट पर. द गवर्नमेंट पैनल हैज स्ट्रगल टू रिफाइन व्हाट अ शेल कंपनी इज. एक शेल कंपनी क्या होती है इसकी अभी डिफिनेशन जो गवर्नमेंट पैनल है वो डिसाइड नहीं कर पाया है. स्पेशल फोर्सेज विल ज्वाइन द इंडिया US एक्सरसाइज, दिस इज कॉल्ड. अभी तो अलग अलग होता है, चाहे वो मालाबार के नाम से हो, चाहे वो कोपैट के नाम से हो, या फिर युद्ध अभ्यास के नाम से हो. दे विल बी नाउ द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो कि 2019 में आपका होगा. देन नोवाक जोकोविक हैज़ वन द शंघाई मास्टर्स एंड ही हैज़ नाउ रिप्लेस रॉजर फेडरर टू बिकम द वर्ल्ड नंबर टू. ही इज जस्ट अ कपल ऑफ पॉइंट्स बिलो द नंबर वन राइट नाउ, दैट इज रफाल नडाल. आगे बढ़ें और नेक्स्ट की बात करें तो ये रही नेक्स्ट पांच खबरें. मेंस यूथ हॉकी टीम स्टम्बल्स इन द फाइनल्स. फाइनल्स में ये 4-2 से हार गए और इन्हें यूथ ओलंपिक्स जो कि अर्जेंटीना में हो रहे हैं वहाँ पर सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा. देन थियोरी ऑनरी हु वॉज अ फॉर्मर आर्सेनल अ फॉर्मर फ्रेंच फुटबॉल टीम ग्रेट हैज़ बिकम द मोनाको कंट्री कोच. तो उसको लेकर वेंगर जो उनके कोच थे आर्सेनल में, उन्होंने कहा है कि इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस. देन द लोनलीनेस मिनिस्टर ऑफ UK शी हैज़ लॉन्च्ड एन anti-loneliness strategy for the first time across the world. शेखर मंडे जो हैं वो बने हैं CSIR के नए डायरेक्टर जनरल और उदय कोटक जो हैं वो हेड करेंगे ऑफ द ILNFS रेस्क्यू टीम के जो बोर्ड मेंबर हैं उसको लीड करेंगे दी कोटक महिंद्रा होंचो, दैट इज़ उदय कोटक. एंड देन द लास्ट हेडलाइन, लक्ष्य सेन जो हैं उनको मिला है सिल्वर इन द मेन सिंगल्स इवेंट एट द यूथ ओलंपिक्स. तो चलिए शुरू करें और ले चलें आपको हमारे अगले सेगमेंट में. दोस्तों पारी है हमारे अब वार्म अप क्विज की. तो ये रहा आपके सामने हमारा आज का वार्म अप क्विज, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दिस इंडेक्स. जो एक मानव पूंजी सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या है, ये सवाल है मेरा आपसे. इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 115 या 115. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. President Ramnath Kovind inaugurated the 13th annual convention of the Central Information Commission in. इनमें से कहाँ पर 13वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने किया. And the answer here is, it is option B, that is New Delhi. Next सवाल पे आते हैं. I hope आप सबका warm up हो रहा होगा. अब्दुल रहमान रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स. सवाल यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से कि अभी हाल ही में एक विख्यात खिलाड़ी थे, उनका नाम है अब्दुल रहमान, इन्होंने अपने संन्यास की बात की है, इनका संबंध इनमें से किस खेल से है. आपके सामने चार ऑप्शन भी हैं एंड इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज क्रिकेट. क्रिकेट से इनका संबंध है. अगले सवाल पर आते हैं. डैश गवर्नमेंट साइंड
a twin city agreement with the government of Moscow for cooperation in various fields like environment, culture and education for the next 3 years. इनमें से कौन सा भैया, इनमें से कौन सा आपका स्टेट है जिसने कि एक ट्विन सिटी अग्रीमेंट साइन किया है जो कि कोऑपरेशन करेगा कई तरह के मामलों में, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे वो कल्चर संस्कृति का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ दिल्ली. दिल्ली गवर्नमेंट ने ये अग्रीमेंट किया है. अगले सवाल पे आते हैं. Leading stock exchange NSE has signed a pact with the Dash government to provide access to the capital to MSMEs, which will fuel the growth of such entities in the state. इनमें से किस प्रदेश ने MSME को पूंजी पहुंचाने के लिए NSE के साथ एक गठजोड़ किया है, एक समझौता किया है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड. तो आई होप आप सबका अब प्रचुर मात्रा में इन एडवोकेट अमाउंट एवरीवन इज नाउ वॉर्म्ड अप. तो चलिए ले चलते हैं आपको हमारे आज के पहले हेडलाइन पर. अलाहाबाद जो है इट मे बिकम प्रयागराज. नाउ अकॉर्डिंग टू द बीजेपी लेड योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, दे विल परहैप्स चेंज द नेम ऑफ अलाहाबाद टू प्रयागराज. ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आने वाले साल, दैट इज 2019, कुंभ मेला आपका होने वाला है अलाहाबाद में. तो उसको एक ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने ये जो नाम है उसको चेंज किया है. इसका इक्वल टू मेथड ये रहा. यूपी गवर्नमेंट सून क्या करेगा? इट विल सून चेंज द नेम. किसका? अलाहाबाद का. क्या नाम पड़ेगा उसका? प्रयागराज. रीज़न क्या है इसका? टू पे अ ट्रिब्यूट. किस लिए? फॉर कुंभ मेला. कुंभ मेला कब होगा आपका? 2019 में होगा. अब अगर हम अलाहाबाद की बात करें, अलाहाबाद हैज़ बेसिकली अ संगम विच इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, जहाँ पर तीन रिवर्स मिलती हैं, गंगा, यमुना एंड द मिस्टिक रिवर सरस्वती, जो कि वैसे तो उसका कोई भी एक सोर्स हमें नहीं पता, पर हाँ ये तीन रिवर्स यहाँ पर मिलती हैं. और अगर हम अलाहाबाद की बात करें तो इसका जो नाम अलाहाबाद है वो बेसिकली इसको फाउंड किया था इस सिटी को अकबर ने, और ऐसा मेंशन किया गया है अकबरनामा में. और कई मुगल शासक, चाहे वो इनके, चाहे वो सलीम रहे हों, चाहे वो आगे चलकर कई और शासक रहे हों, दे हैव टाइम एंड अगेन इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ अलाहाबाद. तो उसका अब नाम आगे चलकर प्रयागराज आपका हो सकता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. IRCTC's chatbot for customer support, the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, in short IRCTC, ने लॉन्च किया है अपना एक चैट रोबोट, जिससे कि जो भी उनकी वेबसाइट पर जाएंगे वो चैट कर सकते हैं. और इस चैटबॉट का नाम है आस्तिशा, जो कि बेस्ड है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, चाहे वो ट्रैवल रिलेटेड हों, चाहे डिफरेंट क्वेरीज़ हों उनकी वेबसाइट पर, उनको यहाँ पर आप पूछ सकते हो. नाउ दिस पर्टिकुलर चैटबॉट विल सपोर्ट सेवरल रीजनल लैंग्वेजेस, और ये वॉइस एनेबल्ड भी आपका होगा. तो आस दिशा जो है उसको लॉन्च किया IRCTC ने, और इसके तहत, इसके थ्रू नाउ पीपल कैन चैट ऑन देयर वेबसाइट. तो देखिए स्क्रीन पर आपके आ गया है, द इंडियन रेलवे Catering and Tourism Corporation is equal to launch. क्या क्या लॉन्च इन्होंने? इन्होंने लॉन्च किया है आसदिशा. अब आसदिशा क्या है? इक्वल टू एक चैटबॉट है. चैटबॉट क्या होता है? जो कि चैट करता है आपसे, आपसे गुफ्तगू करता है, आपसे मियाँ बातचीत करेगा कि भाई बढ़िया हो, अच्छे हो, बहुत अच्छे, मतलब ये बात नहीं करेगा, वो बात करेगा आपसे कि क्या क्या आपकी रिक्वेस्ट है. फॉर एग्जांपल आपको जाना है लखनऊ से रामेश्वरम, तो बताएगा आपको क्या सीट्स हैं, कैसे. तो बेसिकली इट विल एक्ट एज अ चैट मैसेंजर. अगर हम बात करें IRCTC की, तो इसका फुल फॉर्म तो मैंने पहले ही बता दिया है. इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, एंड इसका जो टैगलाइन है वो देखिए स्क्रीन पे आपके सामने आ गया है. वो टैगलाइन आपका है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ये इसका टैगलाइन है. पिछले कुछ समय में ये न्यूज़ में भी है. न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज IRCTC हैड टाइड अप विद कॉमन सर्विस सेंटर्स, और इन कॉमन सर्विस सेंटर्स पर अब टिकट्स की डिलीवरी भी हो सकती है. ये जो खबर आपकी है, देखिए यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 7 पे मेंशन किया गया है, तो जो ब्रैकेट में होता है उसका मतलब होता है पेज नंबर 7. तो IRCTC हैज लॉन्च्ड आस्तिशा, एंड जो कि एक चैटबॉट होने वाला है. आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर. The government panel is struggling to define a shell company. एक shell company क्या होती है इसको define government panel नहीं कर पा रहा. अब इसको discuss करने से पहले एक सवाल बनेगा. सवाल ये बनेगा कि एक shell company होती क्या है. तो भाइयों, shell company मतलब फर्जी company. क्या मतलब? फर्जी company. Now what is a फर्जी company? A company which was set up for no purpose, only for passing through money, only for transferring money,
ओनली फॉर इलीगल पर्पसेस. एक ऐसी कंपनी जिसका बाजार में एक्टिवली कोई काम नहीं, कौनों काम नहीं है, इट हैज़ नो रिलेशन, नो पर्टिकुलर एक्टिविटी इन द मार्केट. इसका सिर्फ काम है पैसे जमा करो और इसको एक तरह से फेस बनाओ इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करने के लिए. तो उसकी जो एक ऑफिशियल डेफिनेशन है उसको गवर्नमेंट पैनल जो है वो डिफाइन नहीं कर पाई है. तो आइए दिखाते हैं आपको डिटेल में कि यहाँ पर ये गवर्नमेंट पैनल की रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, आपके सामने आ जाएगा. अ मल्टी एजेंसी कमिटी which has been finalized for defining a shell company, वो इसको define नहीं कर पा रही है. वो इसकी जो एक परिभाषा है उस पर कोई भी आम सहमति बना नहीं पा रही है. There is no consensus on what a shell company is. जो ये कमिटी है, इस कमिटी ने examine किया है definition को. किसकी डेफिनेशन को? द डेफिनेशन गिवन बाय ओईसीडी. ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. इसकी डेफिनेशन को इन्होंने समझा है पर वो डेफिनेशन भी इनको समझ में नहीं आ रही. दे आर बेसिकली ट्राइंग टू हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन. अब सवाल यहाँ पर बनेगा कि ओईसीडी की डेफिनेशन है क्या? तो इसकी डेफिनेशन ये रही, अ कंपनी दैट इज फॉर्मली रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेटेड और अदरवाइज लीगली ऑर्गेनाइज इन द इकोनॉमी बट विच डज नॉट कंडक्ट एनी ऑपरेशन इन दैट इकोनॉमी अदर दैन इन अ पास थ्रू कैपेसिटी. बड़ी अंग्रेजी हो गई, इसका हिंदी देखते हैं. एक ऐसी कंपनी जो औपचारिक तौर पर रजिस्टर्ड है, शामिल है, जो कानूनी रूप से भी सही है, पर इसका सिर्फ एक काम है, वो है फंड्स को दूसरे कार्यों में ट्रांसफर करना. इसके अलावा इसका कोई और काम नहीं है. बेसिकली एक तरह से फेस है जो कि इलीगल कामों को करता है. तो इस डेफिनेशन को अभी तक आपका जो एक गवर्नमेंट पैनल है वो नहीं दे पाया है. तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा दो तीन चीजें. सबसे पहले व्हाट इज अ शेल कंपनी, सबसे दूसरे डेफिनेशन बाय ओईसीडी एंड तीसरा गवर्नमेंट पैनल. ये तीन चीजें यहां पर आपको ध्यान देने वाली है. अगर आपको समझ में आ गया, इफ एवरीवन इज अंडरस्टूड, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा यस सर छप गया, यस सर हमें पूरी तरीके से छप गया, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको ये क्लियर हो चुका है. चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर जो कि ये रही. पर उससे पहले आइए, बहुत आपने सवाल पूछ लिए हैं, तो अब आप बहुत आपने हल्ला देख लिए हैं, अब बात करते हैं दो सवालों पर. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 25th एनिवर्सरी. इनमें से इसका आंसर खैर मैंने दे ही दिया है. तो हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने NHRC का जो 25वां एनिवर्सरी है उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया. ठीक है, तो सवाल बनेगा उसका नाम क्या? उसका नाम है NHRC. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल. व्हाट इज द करेंसी ऑफ अजरबैजान. देखिए हर तीसरे हेडलाइन के बाद मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा. सवाल मेरे आपसे यहाँ पर है कि अजरबैजान की करेंसी क्या है. अभी हाल ही में इंडिया ने अजरबैजान ने एक MOU साइन किया. तो सवाल मेरा आपसे है कि करेंसी क्या है अजरबैजान की, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मनात और मानत. ये करेंसी है अजरबैजान की. सवाल मेरा आपसे एक और है, व्हाट इज द कैपिटल, क्या है राजधानी अजरबैजान की, उसका आंसर आप सब लोग मेरे को दे दीजिएगा. तो गाइस तीन हेडलाइंस के बाद दो सवाल हो गए, अब वापस आते हैं हेडलाइंस पर. स्पेशल फोर्सेज इन इंडिया US एक्सरसाइज. भारत और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इनकी एक एक्सरसाइज होगी जो कि अगले साल होने वाली है, और इसमें पहली बार ऑल द थ्री फोर्सेज, वेदर इट इज़ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों जो फोर्सेज हैं वो मिलकर इस एक्सरसाइज का पार्ट होंगी. एंड अभी अलग अलग होता है पर आगे चलकर स्पेशल फोर्सेज, चाहे वो इंडिया का NSG हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे वो नेवी का मार्कोस हो, चाहे वो एयरफोर्स का गरुड़ हो, ऑल दीज फोर्सेज विल बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज. तो आइए डिस्कस करते हैं ये एक्सरसाइज है क्या. देखिए आपके सामने आ गया, द फर्स्ट इंडिया US ट्राई सर्विस एक्सरसाइज विल टेक प्लेस इन 2019 में ये एक्सरसाइज आपकी होगी. इससे पहले अभी इनकी एक्सरसाइज अलग अलग होती है. इंडियन आर्मी और US आर्मी के बीच एक्सरसाइज का नाम है युद्धाभ्यास. दिस इज़ बिटवीन द इंडियन एंड द US आर्मी, ये इनके बीच एक्सरसाइज है. सिमिलरली एयरफोर्स की होती है कोप इंडिया, मतलब ये एयरफोर्स के लिए होगी, ये एयर में इंडिया और US की है. और आखिरी में है आपकी नेवी, इंडियन नेवी की होती है मालाबार, जिसमें जापान के साथ होता है. इसमें इंडिया आता है, इसमें US आता है और इसमें जापान आता है, पर यहाँ पर सिर्फ आपका होता है फॉर ओनली फॉर नेवी.
तो आगे चलकर ये तीनों को मिलाकर इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड द इंडियन नेवी, इनको मिलाकर होगा एक कंबाइन एक्सरसाइज जो कि अगले साल 2019 में आपका होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से दिखाते हैं अगली खबर। जोकोविक जो हैं वो नंबर वन पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है द रीसेंट रैंकिंग। द रीज़न व्हाई, बिकॉज अभी हाल ही में ही डिफीटेड कॉरिक, जिनका पूरा नाम है बोर्ना कॉरिक, उनको हाल ही में इन्होंने हराया 6-3, 6-4 इन द शंघाई मास्टर्स, और इनको हरा कर ही बिकेम द वर्ल्ड नंबर टू। उन्होंने रिप्लेस किया है रॉजर फेडरर को, और इन्होंने 14 बार जीता है ग्रैंड स्लैम, और आगे चलकर हो सकता है कि रफाल नडाल को भी ये सरपास कर जाएं। तो बहुत ही सिंपल सी दोस्तों खबर है कि नोवाक जोकोविक हैज़ वन द शंघाई मास्टर्स। शंघाई मास्टर्स को इन्होंने भाइयों जीता है, और इन्होंने हराया है बोर्ना कॉरिक को, एंड ही इज़ नाउ द वर्ल्ड नंबर टू रैंक्ड मेन्स सिंगल्स प्लेयर इन लॉन टेनिस। आइए दिखाते हैं आपको, ये रहा इसका हमारा तीन इंपॉर्टेंट इक्वल टू मेथड्स। नोवाक जोकोविक हैज़ वन, क्या जीता इन्होंने, शंघाई मास्टर्स, किसको हरा के, बोर्ना कॉरिक को हरा के 6-3, 6-4, एंड ही इज़ नाउ द वर्ल्ड नंबर टू। और अगर हम इस साल की बात करें तो लगातार इन्होंने अब 18 ATP मैचेस, ATP स्टैंड फॉर एमेचर टेनिस प्रोफेशनल्स, जो कि वर्ल्ड बॉडी है, तो उसके 18 मैचेस लगातार इन्होंने यहाँ पर जीते हैं। दोस्तों अगर क्लियर हो गया है प्लीज़ लिखते जाइए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हमें क्लियर होता जा रहा है ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप सबको समझ में आ रहा है। आल अगेन रिपीट गाइस, समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट कर देना, यस सर समझ में नहीं, अगर आ गया तो लिख दो यस सर छप गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्रिप्शन करना सबसे ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, मेंस हॉकी टीम हैज़ बीन डिफीटेड इन द यूथ ओलंपिक्स मेंस हॉकी फाइनल्स, दे वर डिफीटेड बाय मलेशिया 4-2 इन द फाइनल्स। उसी के साथ एक और हैं, एक महिला रेसलर है, उनका नाम है सिमरन, उनको मिला है फ्री स्टाइल कुश्ती में सिल्वर मेडल। तो दो हमें मेडल्स मिले हैं, दो सिल्वर मेडल्स, एक मिला है इन द मेंस हॉकी और दूसरा हमें मिला है इन द वुमेंस रेसलिंग ऑफ 43 kg कैटेगरी। तो मैं आपके लिए पहले अंग्रेजी पढ़ देता हूँ, ये रहा आपके सामने, द मेन्स हॉकी टीम कुडंट डिलीवर व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट एज इट लॉस्ट 4-2 टू मलेशिया इन द गोल्ड मेडल मैच। इंडिया टुक एन अर्ली लीड बट दे वर डिफीटेड इन द फाइनल्स। उसके अलावा इंडियन रेसलर सिमरन वन अ सिल्वर इन द वुमेन्स फ्री स्टाइल फॉर 3 kg, शी वॉज डिफीटेड बाय एम्बली शुल्सन ऑफ द US। तो उन्होंने इनको यहाँ पर हरा दिया। तो आइए दिखाते हैं इसका इक्वल टू मेथड, द मेन्स हॉकी टीम वर डिफीटेड बाय 4-2 बाय मलेशिया, उनको मलेशिया ने 4-2 से यहाँ पर डिफीट कर दिया। नंबर वन, नंबर टू इंडियन रेसलर सिमरन जो कि इनको मिला सिल्वर मेडल, किस में, वुमेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी में, और इन्होंने किसको हरा, इनको किसने हराया, इनको हराया आपका एमिली शुल्सन ने। एक बार जरा वॉइस को देख लीजिएगा, लोग बोल रहे हैं वॉइस 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 की बात कर रहे हैं। जी के जो BBM बैच है मेरा वो आपका लॉन्च हो गया है कल से, एंड वो IBPS PO मेंस तक रहेगा, वो क्लर्क के लिए भी है, तो दोनों लोग कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब क्योंकि हमने तीन खबरें फिर से पढ़ ली हैं, अब बारी हमारे फिर से दो सवालों की, देखते हैं कितने सवालों के आप आंसर कर पाते हैं। तो ये रहा पहला सवाल, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इनमें से कौन से देश ने जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको बेसिकली यहां पर टॉप किया है, दैट इज माय क्वेश्चन गाइस। और इसका जो आंसर होगा, द आंसर इज, इट इज ऑप्शन सी, बेलारूस। वैसे तो 15 कंट्रीज हैं नंबर वन पर बेलारूस जो है वो भी उनमें से एक कंट्री, तो आउट ऑफ द ऑप्शंस आपकी बेलारूस जो है वो नंबर वन कंट्री है। सवाल मेरा आपसे यहां पर भी है कि इंडिया की रैंक क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, उसका भी सवाल आपको, उसका भी जवाब आपको देना है, पर अभी नंबर वन रैंक जो इसमें है उसका नाम है बेलारूस। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, What does A stand for in OAMS? OAMS में A का मतलब क्या होता है? Is it access? Is it assurance? Is it assistance? और is it arbitration? इनमें से OAMS का मतलब क्या होता है? That is my question, guys. अभी हाल ही में इसको विजय गोयल साहब ने लॉन्च किया है, तो what is the full form of OAMS? Well, इसका जो आंसर है, द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अश्योरेंस। फुल फॉर्म इसका होगा ऑनलाइन अश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। वैसे तो इसको लॉन्च किया है ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं
उन्होंने इसको जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया. इसका नाम है विजय, इसका नाम है OAMS. और इसमें जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अश्योरेंस के साथ यहाँ पर मिल पाएगी, तो उसको लॉन्च किया है. अगर विजय गोयल साहब की बात करें तो विजय गोयल साहब इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ही इज़ बेसिकली द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI मिनिस्टर हैं आपके विजय गोयल. सवाल मेरा आपसे यहाँ पर एक और है कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ विजय गोयल. चलिए अगले सवाल पर आते हैं. थियोरी ऑनरी इज अ गुड चॉइस फॉर मोनाको. ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं आर्सेन वेंगर. अ डे आफ्टर फॉर्मर स्ट्राइकर थियोरी ऑनरी वॉज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ लीग वन क्लब मोनाको, जो एक क्लब है आपका, एक फ्रेंच क्लब है आपका मोनाको, उसके जब ये कोच बने हैं तब से इनकी तारीफ की है आर्सेन वेंगर ने, जो कि कोच थे थियोरी ऑनरी के वैन ही वॉज इन आर्सेनल. तो यहाँ पर एक ही सवाल बनेगा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ मोनाको, तो उसका आंसर होगा थियोरी ऑनरी. बस इतना ही सवाल यहाँ बनेगा, कोई और सवाल यहाँ पर नहीं बनेगा. मृत्युंजय पनवर जी, आज की खबरों में कल की खबर भी कवर है, परेशान ना होइएगा. देखो आंसर मेरे को मिल भी गया कि महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है विजय गोयल की. ही इज़ अ राज्यसभा सांसद एंड ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं. अगले सवाल पे आते हैं, ये रहा अब आपके सामने. पर दोस्तों अबारी है हमारे क्वेश्चन, अबारी है हमारे अगले हेडलाइन की, ये रहा आपके सामने. UK मिनिस्टर टू लॉन्च एन एंटी लोनलीनेस स्ट्रैटेजी. द फर्स्ट मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस, एकांत या अकेलेपन की जो पहली मंत्री बनी है दुनिया में, जो कि बनी है यूके के अंदर, वो उनका नाम है ट्रेसी क्राउच. शी इज सेट टू लॉन्च हर फर्स्ट एंटी लोनलीनेस स्ट्रैटेजी. उनकी जो पहली एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि अकेलापन या फिर जो एक लोनलीनेस है उसको कम किया जाए, उसको इन्होंने लॉन्च किया है. इस पूरे में सवाल एक ही बनेगा एग्जाम के अंदर, IBPS PO और क्लर्क के अंदर या फिर हर एग्ज़ाम के अंदर, कि हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस इन UK और हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस, तो उनका आंसर है ट्रेसी क्राउच. वो सवाल आप लोग एक बार देख लीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं अगला सवाल. शेखर, ये खबर है आपकी कल की, ये कल के पेपर की खबर है. शेखर मंडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, जहाँ पर CSIR का फुल फॉर्म है. द फुल फॉर्म ऑफ CSIR इज़ सेंट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च, जो कि भारत की सबसे बड़ी डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. तो उसके जो नए डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है शेखर मंडे. ही इज़ बेसिकली अ बायोलॉजिस्ट, पेशे से ये बायोलॉजिस्ट हैं, और ये डायरेक्टर थे ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज इन पुणे. तो उस पोजीशन से अब ये स्विच करेंगे एंड नाउ ही विल बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR. तो इनका नाम है आपका शेखर मंडे. इसका इक्वल टू मेथड ये रहा आपके सामने. द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड, किसको अपॉइंट किया इक्वल टू शेखर मंडे, किसे अपॉइंट किया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR. अब ये हैं कौन, ये हैं आपके बायोलॉजिस्ट, और ये डायरेक्टर किसके हैं, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज के. कहाँ पर है ये, आपका पुणे में है. अगर हम CSIR की बात करें तो ये फाउंड हुआ आपका 1942 में, इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, और ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत की. इसके जो प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा आपके होते हैं प्राइम मिनिस्टर. एक सवाल आ रहा है फ्रॉम अभिषेक कुमार, सर व्हाट इज लोनलीनेस, लोनलीनेस मतलब अकेलापन, एकांतपन, जब आपको अकेला लगे, जब आपको रोने का मन करे, जब आपको लगे कि दुनिया बहुत बड़ी बेकार दुनिया है और लिटरली यू हेट द वर्ल्ड, तो बेसिकली उसे हम कहते हैं लोनलीनेस. तो उसकी मंत्री हैं आपकी ट्रेसी क्राउच. क्लियर हो गया आपको, ये भी क्लियर हो गया. आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिपीट कर दूँ आपके लिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे इस YouTube चैनल को. चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. नीलमोय बैनर्जी, मैंने बता दिया आपको CSIR क्या होता है. नेक्स्ट खबर पे आते हैं. अब आते हैं हमारे दो सवालों पर फिर से, क्योंकि तीन सवाल हो चुके हैं. आय खेत ई पहल ई प्रिवेंट ऐप हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, इनमें से कौन से राज्य ने हाल ही में आई खेत ई पहल ई प्रिवेंट ऐप को लॉन्च किया है, ये मेरा आपसे सवाल है. हाल ही में इसको किसने लॉन्च किया, वन सेकेंड, किसने लॉन्च किया आई खेत ई पहल और ई प्रिवेंट ऐप को, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पंजाब. पंजाब ने लॉन्च किया है तीन मोबाइल ऐप्स, उनके नाम है आई खेत ई पहल और ई प्रिवेंट. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं.
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल आरटीआर रैंकिंग्स. ग्लोबल आरटीआर रैंकिंग्स में भारत की रैंक क्या है, 11, 6, 8 या फिर 3. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल आरटीआर रैंकिंग्स. तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ 6. पहले रैंकिंग टॉप 3 में थी और अब आपकी रैंक जो है वो नंबर 6 पर आ गई है. तो फिर ये रहा आपका दो सवाल. अब वापस आते हैं हेडलाइंस पर. बड़ी बड़ी खबर है, उदय कोटक एंड टीम विल बी अ पार्ट ऑफ द ILNFS कंपनीज मैनेजमेंट बोर्ड. अभी हाल ही में आपको पता था, कोई खबर आई थी कि भारत की एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट ओन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसका नाम है ILNFS. वो कंपनी जो आपकी है वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई या डेब्ट के अंदर लद गई है, तो उसके लिए एक नया बना है आपका मैनेजमेंट जो कि रेस्क्यू करेगा उसको इस पूरे बैड लोन से या इस पूरे डेब्ट से. उसके जो हेड बने हैं उनका नाम है उदय कोटक. तो आइए डिस्कस करते हैं थ्रू द इक्वल टू मेथड. द सेंटर हैज़ अपॉइंटेड अ न्यू बोर्ड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. इस बोर्ड के जो हेड होंगे, ही इज़ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड द MD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, उनका नाम है उदय कोटक. इस बोर्ड के वाइस चेयरमैन MD होंगे कंपनी के, उनका नाम विनीत नैयर है, जिन्होंने सत्यम कंपनी को भी रेस्क्यू करवाया था. अदर मेम्बर्स में आपके हैं GC चतुर्वेदी, फॉर्मर सेबी चेयरमैन GN वाजपेयी, नंद किशोर, डॉक्टर मालनी शंकर एंड CS रंजन. ये तीन चार लोग और इस कमेटी के अंदर हैं. तो ILNFS विच इज़ अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, विच इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो कि लॉस में थी, उसको रेस्क्यू करने के लिए न्यू बोर्ड हैज़ बीन सेटअप, जिसके हेड होंगे कोटक उदय कोटक, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन होंगे एंड MD होंगे उस कंपनी के विनीत नैयर, और बाकी मेंबर्स मैंने आपको नाम दे दिया. अगर हम कोटक साहब की बात करें, ही इज़ एशियाज रिचेस्ट बैंकर एंड he was also the head of the 21 member committee by SEBI on corporate governance. To na sirf ye head hain ILNFS ke, balki ye head hain, ye head the SEBI ke for the corporate governance, uske bhi inko yahan par head banaya gaya hai. Well Parinita, ye jo khabar hai ye again Hindu se hai, the Hindu paper se hai, par ye kal ki khabar hai, aaj ki khabar nahi hai. To yahan sawal dosto banega ki who has been made the head of the ILNFS management board. To uska answer होगा उदय कोटक. सवाल एक और बनेगा कि हु इज द वाइस चेयरमैन, तो उसका आंसर होगा आपका विनीत नैयर. आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको अगली खबर. सिल्वर फॉर लक्ष्य सेन. लक्ष्य सेन जो हैं, जो कि भारत के एक उभरते हुए बैडमिंटन सितारे हैं, इनको मिला है सिल्वर मेडल इन द मेन्स सिंगल्स ऑफ द यूथ ओलंपिक्स. ही वॉज डिफीटेड बाय ली शफांग ऑफ चाइना बाय 21-15, 21-19 एंड इन 42 मिनट्स, एंड ये भारत का 4th सिल्वर है, एंड भारत को इसके अलावा 3 गोल्ड भी इस बार यूथ ओलंपिक्स में मिले हैं. तो फिर से रिपीट कर दूं आपको, लक्ष्य सेन जो हैं, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर हैं इंडिया के, उनको मिला है मेन सिंगल्स में सिल्वर. ही वॉज डिफीटेड बाय ली शफांग, और अब भारत के 4 सिल्वर हैं और 3 गोल्ड मेडल्स हो चुके हैं. यहाँ अगर कहाँ पर हुए हैं ये आपके, ये हुए हैं यूथ ओलंपिक्स में, जो कि कहाँ पर हो रहे हैं, इन ब्यूनो आयर्स इन अर्जेंटीना, वहाँ पर ये आपके हो रहे हैं. दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, यस सर, यस सर, यस सर, वी हैव नो डाउट, ताकि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकें और आपसे और सवाल पूछ सकें. तो बारी है दोस्तों अब हमारे लास्ट के क्विज़ की, एंड इस क्विज़ में हमारे पास 10 सवाल हैं. देखते हैं कितने सवालों के जवाब आप लोग दे सकते हैं. तो ये रहा दोस्तों हमारा सामने हमारा आज का पहला सवाल आपके लिए. हु हैज़ बीन चोजन एज इंडियाज फर्स्ट मिस ट्रांस क्वीन. भारत की पहली मिस ट्रांस क्वीन का खिताब इनमें से किसे हाल ही में दिया गया. वीना सेंदरे, लक्ष्मी राव, पद्मा सेन या फिर कनिका शर्मा. हु हैज़ वन द मिस ट्रांस क्वीन टाइटल. दोस्तों इसका जो आंसर है, द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ वीना सेंदरे. इनको मिला है मिस ट्रांस क्वीन का टाइटल. आगे अलग रिपीट गाइस, अगर अच्छा लग रहा है, 1300 लोग के ऊपर देख रहे हैं, आप सबके सब लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. सुंदर सिंह गुर्जर, जिन्होंने हाल ही में जीता है हमारे लिए एक मेडल इन द एशियन पैरालंपिक इन द एशियन पैरा गेम्स, वो इनमें से किस खेल से हैं. इज़ इट जैवलिन थ्रो, इज़ इट रेसलिंग, इज़ इट हॉकी और इज़ इट आर्चरी. इनमें से किस खेल से हैं सुंदर सिंह गुर्जर. इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ भाला फेंक या फिर जैवलिन थ्रो. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं.
Which of the following Africa countries will host the 2022 Youth Olympic Games? In में से कहाँ पर 2022 में Youth Olympic Games आपके होंगे? अभी तो हो रहे हैं अर्जेंटीना में, अब अगले Youth Olympic Games आपके कब होंगे या कहाँ पर होंगे? Is it Egypt? Is it Senegal? Is it South Africa? Or is it Congo? कहाँ पर होंगे आपके these games? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सेनेगल. सेनेगल में आपके होंगे दी 2022 यूथ ओलंपिक गेम्स. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. दुशानबे इज दी कैपिटल ऑफ. अभी हाल ही में इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है इस कंट्री के साथ. तो सवाल मेरा आपसे है कि दुशानबे जो है इसके कैपिटल इनमें से कहाँ पर है? इज इट तुर्कमेनिस्तान, इज इट कजाकिस्तान, इज इट तजिकिस्तान और इज इट रशिया? कहाँ पर कैपिटल है आपका दुशानबे का? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ तजाकिस्तान. यहाँ पर हेडक्वार्टर्स, यहाँ पर आपके कैपिटल है, यहाँ पर कैपिटल है आपका दुशानबे. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड दी फूड दी FAO फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड फॉर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग? इनमें से वो राज्य कौन सा है जिसे FAO ने फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड दिया है फॉर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग? इज़ इट उत्तर प्रदेश, इज़ इट असम, इज़ इट मेघालय और इज़ इट सिक्किम? किसको दिया गया है दी ये अवार्ड? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ सिक्किम. सिक्किम को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. अभी हाल ही में इनको मिला है नोबेल, इनको मिला है न्यू अकेडमी प्राइज, जो कि नोबेल लिटरेचर प्राइज़ का एक टक्कर देने वाला प्राइज़ है. तो इज़ इट जॉन एम कोवेट्सी, इज़ इट मरीसे कोंडे, इज़ इट VS नाइपॉल और इज़ इट अमिताभ घोष? किसको मिला है ये प्राइज़? एंड इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ मरीसे कोंडे. इनको मिला है इस बार प्राइज़ एंड साथ ही साथ इनकी बुक का नाम है सेगू. ये भाई सही आंसर है. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. When is the International Day for Disaster Reduction? इनमें से आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर में ही होगा. Is it 11th? Is it 10th? Is it 7th? Is it 13th? कब मनाया जाता है आपका दिवस? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ द 13th ऑफ अक्टूबर. 13 अक्टूबर को मनाया जाता है द इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है जिसे दुनिया का सबसे अभिनव विश्वविद्यालय बनाया गया है? विच यूनिवर्सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी बाय राइटर्स एजेंसी? इज़ इट स्टैनफर्ड, इज़ इट मैसाचुसेट्स, इज़ इट हार्वर्ड और इज़ इट इम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंदन? कौन सा यूनिवर्सिटी है जो कि मोस्ट इनोवेटिव है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ स्टैनफर्ड. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. Which country shall abolish the death penalty on all crimes? इनमें से कौन सा देश है जो तमाम तरह की जो डेथ पेनल्टी हैं उनको अबॉलिश करेगा? मालदीव्स, मलेशिया, ईरान या फिर ऑस्ट्रेलिया? और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ मलेशिया. और आते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पर. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया? इनमें से कौन सा संगठन है जिसने कि नया सेंटर बनाया है फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया? इज़ इट यूनाइटेड नेशंस, इज़ इट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इज़ इट यूनेस्को और इज़ इट OECD? किसने बनाया है ये सेंटर, किसने ये लॉन्च किया है सेंटर जो कि महाराष्ट्र में लॉन्च होगा? एंड इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. इसने ही इस सेंटर को लॉन्च किया है. और आते हैं हमारे आज के लास्ट कोटेशन पर. उससे पहले एक और सवाल. द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल टेक प्लेस. एक बार ज़रा इसको करेक्शन कर दूँ. जो मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप है वो आपका होगा इन उड़ीसा. तो उड़ीसा में ये जो वर्ल्ड कप आपका होगा इसका ऑफिशियल मैस्कॉट दोस्तों क्या है? व्हाट इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप? तो इसका जो आंसर है, द आंसर इज़ इट इज़ ऑयली. ऑयली है इस बार का ऑफिशियल मैस्कॉट. तो अब ये थे हमारे आज की खबरें और ये रहा हमारा आज का लास्ट का कोट. समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आर वीकनेसेस बट टू डिस्कवर आर स्ट्रेंथ्स. कई बार या बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ हमें टेस्ट करती है, तो वो टेस्ट करती है हमारी वीकनेस शो करने के लिए नहीं, बल्कि हम में कितना स्ट्रेंथ है, हम में क्या है जो हम खुद नहीं जानते उसको दिखाने के लिए. सो वेन एवर यू आर इन अ प्रॉब्लम, वेन एवर यू आर हैविंग अ बैड डे, अंडरस्टैंड दैट द गॉड इज़ टेस्टिंग हाउ स्ट्रांग यू आर. तो विद दिस मैसेज आई विल एंड द सेशन गाइज. आपका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया. एंड अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, बिना लाइक कीजिए 1500 लोग नहीं जाएंगे. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर
करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। मिलते हैं अब आपसे हम कल सुबह 8 बजे। याद रखिएगा वेंसडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया शो BBM शो, साथ ही साथ हम नए शो ला रहे हैं वेंसडे से। और जो जो लोग IBPS PO में इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो शो आएगा जो कि होगा आपका फ्रॉम वेंसडे। उसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, पर उससे पहले एक बार ज़रा दिखा दे, हमारा एक BBM बैच लॉन्च हो रहा है दोस्तों। दैट बैच इज़ लॉन्चिंग टुमारो। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अलगेनपी उसका प्राइस है 1999 एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है बैंकिंग का एंड बैंकिंग स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स का। उसको आप में जो भी लोग चाहें वो उसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दिस लेट मी जस्ट एंड द सेशन गाइस, मैं सेशन को एंड करता हूँ एंड मिलते हैं अब आपसे कल। कल आप लोग और लोगों को बताइएगा इस शो के बारे में एंड कल हम और लोगों के साथ इस शो को शुरू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस। Bored with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu. We'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots. There will be financial terms. We'll also have MCQs. We'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. Aur maze ki baat dosto ye hai ki ye show ab Hindi mein bhi aayega.